गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए फिर से अपना शो मार्केट पे चर्चा का नया एपिसोड लेकर आए हैं। तो शो स्टार्ट पहले होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में यूएस नंबर्स की वजह से काफ़ी उथल पुथल मची हुई है और इन्फ्लेशन भी आया हुआ है। तो इसलिए जो पब्लिक है वो बहुत कन्फ्यूजन में है कि वो अपने पैसा मार्केट में लगा के रखे या निकाल ले। साथ ही साथ एक और बात है कि निफ्टी वापस से 16,000 पे ट्रेड करेगा या नहीं, और साथ में ही सेंसेक्स 55,000 पे वापस आएगा या नहीं, इसका भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज हम इसी के बारे पर चर्चा करेंगे। मैं हूँ नैन्सी, मेरे साथ मौजूद है मिस संगीता और साथ में डॉक्टर रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। तो सर से शो स्टार्ट करते हैं, सर हमें मार्केट पे व्यू बताएंगे। देखिए, ये जो हफ्ता गया है उसमें वाकई में बहुत टेंशन रहा है कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो काफ़ी जो है वो डर पैदा कर रहे हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो आप पूरी तरह से होल्ड करके रखिए। निफ्टी में अगर निफ्टी 18,000 के पास है और अगर थोड़ा करेक्शन आता भी है तो वो इतना बड़ा करेक्शन नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होने वाला कि 17,000 के लेवल आ जाएंगे, 16,000 के आ जाएंगे, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, 17,600 का एक बेस बनेगा, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, लेकिन अप साइड में इस दिवाली तक 18,450 और 500 के लेवल दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ब्रॉडर व्यू होगा। अब ओवरऑल सेंटीमेंट में अगर यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी में थोड़ा बिट डिप अगर आता है तो भाई की स्ट्रैटेजी रखिए। रही बात स्टॉक्स की, तो मेजर स्टॉक्स में आप बने रहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। ओके, तो आई होप कि हमारे जो भी व्यूअर हैं हम सर की सजेशन को मानेंगे और मार्केट में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे और अपने स्टॉक पे अपना जो भी फोकस है वो बनाकर रखेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे सवाल हमारे पास पूछे गए हैं, तो आइए हम उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर रवि से। पहला सवाल हम लेते हैं अरविंद जी दिल्ली से, पूछते हैं डॉक्टर रवि कि 500 शेयर ऑफ मेसगांव डॉक के ₹435 पे उन्होंने परचेज किया था, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अभी ये स्टॉक 420 के पास चल रहा है और ऐसा ओवरऑल अगर देखते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, चार्ट पे भी ये स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर आप मेंटेन करिए ₹410 का, और अपसाइड का जो टारगेट है वो 465 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 35 पे खरीदा है, 65 आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस 410 का जरूर रखिए। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं टीवीएस मोटर का, 642 पे उन्होंने खरीदे थे 40 शेयर्स, सुमित जी राजकोट से पूछते हैं। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री में पूरा अप ट्रेंड चल रहा है और संगीता जी जिस हिसाब से अभी मूवमेंट बनी है इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो सबसे पहले तो यही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए क्योंकि 1050 के पास ही स्टॉक चल रहा है और आपके पास एक है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा 50% मुनाफा अगर आप बुक करना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं। अपसाइड में ये स्टॉक का टारगेट है करीब ₹1250 का, और अगर लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस लेके चलना है तो आप 900 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लेके चलिए। मैं आपको लंबा स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ये स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से भी ऊपर है, तो यहाँ पर 900 के स्टॉप लॉस से 1250 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल शिवानी जी हमें पुणे से पूछती हैं, PGHL के 50 शेयर उन्होंने खरीदे थे 2500 पे, उनको क्या करना चाहिए। एक और ऐसा स्टॉक है जो कि अभी बहुत ऊपर है, 4280 के पास ये स्टॉक चल रहा है, तो एक अच्छा मुनाफा आ रहा है, मुझे लगता है आपको यहाँ पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। दूसरे स्टॉक्स की जो हम चर्चा इसमें कर रहे हैं आप उनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा बैंकिंग काउंटर की तरफ फोकस करिए। SBI और ICICI बैंक, इन दोनों शेयरों को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, जो यहाँ से मुनाफा वसूल करिए आप उन शेयरों में यहाँ पर लगा सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो लगभग ₹1000 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, और साथ ही अगर SBI को देखते हैं तो ₹600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेरी कीर्ति की बिहार से आई है सर, उन्होंने तनला प्लेटफॉर्म के 60 शेयर ₹875 में परचेज करे हैं, तो सर ये भी काफ़ी पैनिक सिचुएशन में है कि मार्केट की वजह से इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका कि मार्केट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, इनके लोकल जो फंडामेंटल होते हैं खासतौर से जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर डिपेंडेंट करता है, तो मुझे लगता है कि एक बार को अभी आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखिए क्योंकि यहाँ से अगर मोमेंटम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 5-8% का मोमेंटम आपको दे सकता है, और जो ये अभी निफ्टी में जो करेक्शन चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर चित्रा का दिल्ली से, इन्होंने टीटागढ़ वैगन के 150 शेयर ₹166 में परचेज करे हैं। देखिए, 156 के पास ये स्टॉक चल रहा है और अभी हाल फिलहाल की मुझे बाइंग लग रही है, और ये स्टॉक ₹100 के ऊपर निकलने के बाद काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम में आया और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रहा है, तो अभी आप इस पोजीशन को होल्ड रखिए, ₹145 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अपसाइड टारगेट ₹180 का।
ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आयुषी का पटना से है। उन्होंने बलरामपुर चीनी के 100 शेयर 380 रुपये में परचेज करे हैं, तो सर वो भी व्यू जानना चाहती हैं आपका। लगभग 380 के पास ही है, इसीलिए शायद मेरे ख्याल से आज ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल की परचेजिंग है। तो अभी आप इस पोजीशन को भी होल्ड करके रखिए। 355 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अपसाइड टारगेट होगा 400 रुपये का। स्टॉक अच्छा है, चार्ट पैटर्न पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से चीनी सेक्टर यानी शुगर सेक्टर में तेजी का दौर है वो शायद आपको यहाँ पर फायदा दे जाएगा। तो 400 रुपये के टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अगला सवाल हम सर लेते हैं, आरती जयपुर राजस्थान से पूछती हैं, बजाज फाइनेंस के शेयर उन्होंने 130 खरीदे थे 700 रुपीज़ पे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए इस समय इसमें भी एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। 700 के पास आपने 7000 के पास आपने ख़रीदा है और इस समय 7400 के पास चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हाई वोलेटाइल स्टॉक है, तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ये ट्रेड है, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, 8000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मार्केट में जो वोलेटिलिटी हाई है उससे आप बच के निकल जाएंगे। थैंक यू सर। मोहित जी पूछते हैं नोएडा से, वो पूछ रहे हैं NTPC के शेयर उन्होंने 100 परचेज किए थे 120 रुपीज़ पे, क्या करना चाहिए उनको? तो इनकी तो दिवाली धमाका हो गया है, बिकॉज 170 रुपये ये स्टॉक चल रहा है, बेहतरीन मुनाफा यहाँ पर है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस मुनाफे के लिए। बुक करने की जल्दबाजी मत करिए, अगर मैंने अभी बताया कि अगर आपका दिवाली तक कुछ गिफ्ट विफ्ट खरीदने का है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए। 180 रुपये का टारगेट इमीडिएट अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा पैसा निकाल लीजिए। हिंद कॉपर के परचेज किए थे 1500 शेयर 115 रुपीज़ पे, साहिल जी इंदौर से ये पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए उनको अब नेक्स्ट। संगीता जी मुझे लग रहा है आज आपके पास सारे प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, और ये भी क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 105 पे खरीदा था, 121 का लेवल चल रहा है, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली अच्छी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लीजिए, यानी 50% आप अपने स्टॉक यहाँ पर बुक कर लीजिए। 50% का टारगेट 145 रुपये का रखिए, लोअर साइड पर स्टॉप लॉस आप एक डाल लीजिए, 110 के नीचे अगर जाता है तो पूरा निकाल दीजिए, और वापस दूसरे जो हमने शेयरों की चर्चा की है उनमें निवेश कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेरी सर रश्मि की नोएडा से है, उन्होंने रैक लिमिटेड के 233 शेयर 92 रुपीज़ में परचेज करे हैं। देखिए अभी ये स्टॉक 105 रुपये चल रहा है, मार्केट के बुल ट्रेंड में ये काफ़ी तेज़ी से अप ट्रेंड में आया है, तो यहाँ पर आप अगर आप थोड़ा सा इसको व्यू समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 102 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए, क्योंकि उसके नीचे जाने के बाद ये वापस से आपके बाइंग लेवल पे आ जाएगा, तो बेटर है कि 102 के पास थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें, नहीं तो अपसाइड का जो टारगेट है वो 115, या तो 102 कटने दीजिए नहीं तो 115 का वेट करिए, आपको एक बेहतर मुनाफा यहाँ पर और बढ़ सकता है। ओके सर, रिचा का बिहार से क्वेश्चन है, उन्होंने RBL बैंक के 163 शेयर 124 रुपीज़ में परचेज करे हैं। देखिए RBL में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, फंडामेंटल बहुत पुअर हैं इसके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये स्टॉक नहीं दिखाई देता है, आपने परचेज किया है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 127-28 के पास ये स्टॉक चल रहा है, इस स्टॉक को ज़्यादा लंबा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही जाती हैं तो आपको मैंने ICICI बैंक बताया, SBI बताया, अगर इसी के पास स्टॉक देखती हैं तो DCB बैंक 105-106 रुपये के पास चल रहा है, आप उसको परचेज कर सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो आपको कोई ये भी नहीं कहेगा कि आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया और आपको नुकसान हुआ, तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी रखिए जिससे कि आपको बेहतर मुनाफा मिल सके। ओके व्यूअर्स, तो आज हम अपना शो यहीं पर एंड कर रहे हैं, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज मेंशन करना ना भूले, और एक बात और आप ज़रूर ये हमें मेंशन करें वहाँ पर कि आपको हमारे वीडियो से क्या क्या प्रॉफिट मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।